हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो सीए इंटरमीडिएट मई 2023 में एग्जाम देने वाले सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो हमने नई सीरीज लॉन्च करी है, थ्योरी है जरूरी। इसके अंदर हम लोग कॉस्टिंग की जो थ्योरी है उसको बड़े ही यूनिक वे में कवर करते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग की थ्योरी पढ़ना अलग से बड़ा बोरिंग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, आरटीपी में, एमटीपी में, उन सबको चैप्टर वाइज कंपाइल करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस लेक्चर के अंदर भी हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेट अस बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थ्योरी जो है मिनिमम 20 मार्क्स की आती है। तो एक क्वेश्चन आता है आपका आखिरी वाला, वो आता ही आता है। किसी और क्वेश्चन में भी थ्योरी आ सकती है, तो 20 से ज़्यादा होगा कम नहीं होगा, सेवियर है। कभी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा टफ आ गया, वहाँ पर ये थ्योरी आपको हेल्प करती है। दूसरी बात, थ्योरी वैसे तो कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होती है, लेकिन डायरेक्टली कॉन्सेप्ट फॉर्म में थ्योरी को पढ़ना बड़ा बोरिंग होता है। तो बेस्ट वे टू प्रिपेयर इज Q&A फॉर्मेट, जो मैंने बोला ना कि PYQ के, RTP के, MTP के सारे क्वेश्चन लेके और उसको कर लेंगे। और ये जो थ्योरी के नोट्स आप यहाँ पर देखोगे जो मैं यूज़ करूँगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो ये वाली वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक से। तो जाइएगा, वहाँ आपको थ्योरी नोट्स का फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लेना। थ्योरी जो हमारी कॉस्ट के अंदर आती है उसका भी मैंने वेटेज बना के यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये भी मैं हर सेशन में आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसमें ज़्यादा सेशन लगते हैं। फिर बाकी जगह पर हम चैप्टर्स का ग्रुप बनाकर एक एक लेक्चर में करते हैं। इस टाइप से हम लोग कर रहे हैं, इस चीज़ ये अप्रोच के हिसाब से हम चल रहे हैं। और ऐसा आपने पहली बार देखा होगा कि थ्योरी का भी अलग वेटेज चैप्टर वाइज है ना, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है यार ये भी। तो चलिए यार, मैं हूँ रेडी, उम्मीद करता हूँ आप भी रेडी होंगे। कैन वी स्टार्ट नाउ? यस सर, चलिए लेट्स बिगिन, शुरू किया जाए। तो आज हम लोगों को चालू करना है सर चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड्स के साथ। एम्प्लॉय कॉस्ट आपने मेरे साथ कर लिया था, तो अब बारी है हमारी चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड्स की। तो एम्प्लॉय कॉस्ट के तो सारे क्वेश्चन हो गए थे ना कल, ठीक है चलो ओवरहेड से शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द ब्लैंकेट। ओ भैया, किसको किसको याद है ब्लैंकेट का मतलब? सर ब्लैंकेट का मतलब वही जब ठंड आती है तो ओढ़ लेते। अरे नहीं रे भाई, वॉट डू यू मीन बाय ब्लैंकेट ओवरहेड रेट? बताओ जल्दी लाइव चैट में, क्या क्या सुना था तुमने ब्लैंकेट ओवरहेड रेट के बारे में? एक ब्लैंकेट और दूसरा डिपार्टमेंटल, तो आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है। फिर आपको बताना हाउ दे आर कैलकुलेटेड, दोनों कैलकुलेट कैसे होते हैं। और फिर आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन ज़रूरी है ब्लैंकेट को यूज़ करने के लिए। सब लोग ब्लैंकेट यूज़ नहीं कर सकते भाई, कंडीशन होनी चाहिए। सर वही है ना कंडीशन, ठंडी ज़्यादा होगी तो यूज़ करेंगे। अरे नहीं रे भाई, अच्छा सिंगल रेट, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, क्या बात है। तो ब्लैंकेट रेट का मतलब जो हमको अभी तक पता है सर, वो ये है कि अगर पूरी फैक्ट्री का एक सिंगल रेट यूज़ होता है, रादर देन हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेट, अगर पूरे फैक्ट्री ओवरहेड्स पूरे फैक्ट्री के एब्जॉर्ब करने के लिए सिंगल रेट यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। और अगर इसी के अगेंस्ट में मैं बात करूँ डिपार्टमेंट ओवरहेड रेट की, तो वहाँ पर ये होता है सर कि हर एक डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स पहले निकाला जाता है, फिर हर एक डिपार्टमेंट में बेस लिया जाता है और हर एक डिपार्टमेंट की सेपरेट एब्जॉर्प्शन रेट निकलती है, ठीक है। अब ब्लैंकेट ओवरहेड रेट जनरली कहाँ यूज़ होता है? सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट ना हो, या फिर मल्टीपल डिपार्टमेंट हो फिर भी एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा हो, ऐसी जगह पर ब्लैंकेट रेट लगाना सही है। बाकी जनरली ब्लैंकेट रेट ज़्यादा काम का नहीं होता, ठीक है जी। परफेक्ट, ओके 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 ओके, देख लेते हैं सर इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। तो और कौन कौन आ गया? ऋषभ तुम आ गए हो, अक्षित तुम भी आ गए हो, बहुत बढ़िया। आदित्य, आदित्य आ गए, कार्तिक बहुत बढ़िया, अक्षित बहुत बढ़िया, वैभव भी आ गया है, विरज, विराज गांधी, गुड इवनिंग सर, सॉरी टू डिस्टर्ब इन बिटवीन, आई स्टार्टेड वॉचिंग योर लक्ष्य रिकॉर्डिंग फॉर नवंबर 22, आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव यू कवर सर्विस कॉस्टिंग इन दैट बैच। सर्विस कॉस्टिंग के लिए मैंने लिंक शेयर कर दी थी, वार्म अप बैच की या फिर मई 22 की, वहां से कवर किया है बेटा, ठीक है। बाकी तुम ट्रैकर में देख सकते हो, ट्रैकर में लिंक डली हुई है, ठीक है दोस्त। लेकिन अलग से पूरा इसमें कवर नहीं है, वो दूसरे वाले से करवाना है। अदिति तुम भी आ गई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यार, मेरे जवाब देने से पहले ही सारे लोग आंसर दे दिए, कितने ऑसम हो यार तुम लोग। संगीता मिश्रा भी आ गई हैं, यस दीपक, अरे दीपक तुमको कैसे भूल सकते हैं भाई। ऋतिक बंसल तुम भी आ गए, हिताक्षी तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया था, तुम लोग तो स्पैम कर रहे थे, बताओ हैं इतने बड़े हो गए स्पैम करते रहते हो, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके जी, लविंग द वे यू टीच, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। चलो नेहा तुम भी आ गई, चलो तुम भी आ गई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भावना तुम्हारा नाम भी ले लिया यार, ठीक है, जिसका नाम ले लिया वो ऐसा मत करो मैं भी ले तो लिया तुम लोग का नाम। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट क्या होता है? ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, इट रेफर्स टू द कंप्यूटेशन ऑफ अ सिंगल ओवरहेड रेट फॉर द होल फैक्ट्री, ठीक है। तो ये निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो?
पूरे फैक्ट्री के ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय जो भी आपने बेस माना है उसकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अक्रॉस द फैक्ट्री, तो एक सिंगल रेट आपको निकल के आती है। कितना आसान डेफिनेशन है, कुछ खास नहीं था इसमें। व्हाट अबाउट डिपार्टमेंटल? सर अगर आप एक सिंगल ओवरहेड रेट निकालते हो फॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या यूनिट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन यूनिट सेपरेट सेपरेट, तो वो कहलाता है डिपार्टमेंटल रेट। वहाँ पर आप जो ओवरहेड्स लेते हो वो सिर्फ उस डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर के लेते हो और उसी डिपार्टमेंट का जो भी बेस है वो लेते हो। अब आता है सर तीसरा पॉइंट, जहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ब्लैंकेट ओवरहेड, ब्लैंकेट वाली रेट लगाने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होती है। तो सर क्या कंडीशन अप्लाई होती है, दो बातें हैं, या तो कोई एक ही मेजर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा हो, मतलब हमारी फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती, एक ही मेजर चीज़ बनती है, वही मेन हमारा प्रोडक्ट है, और या फिर ऐसा मान लो कि बनते तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं लेकिन सारे प्रोडक्ट जो हैं वो सारे डिपार्टमेंट से पास होते हैं और हर जगह बराबर समय लगाते हैं। ऑल प्रोडक्ट आर प्रोसेस फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम इन ईच डिपार्टमेंट। एक बात समझो ना, हम डिपार्टमेंट वाइज रेट क्यों निकालते हैं, ताकि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी जॉब में जिस डिपार्टमेंट की ज़्यादा सर्विसेज लगी हों उसका ज़्यादा ओवरहेड्स चला जाए। लेकिन अगर तुमको कोई ये बोल दे कि मेरे यहाँ सारे प्रोडक्ट एक ही टाइम में बनते हैं, सारे प्रोडक्ट में सारे डिपार्टमेंट का सेम सर्विसेज जाता है, तो फिर चाहे तुम डिपार्टमेंट वाइज निकालो चाहे ना निकालो, क्या फ़र्क पैंदा है भाई, ठीक है, क्या जरूरत है उसमें अलग अलग निकालने की, है कि नहीं, गॉट इट ना। तो देखो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करूंगा, ब्लैंकेट रेट तब यूज़ किया जाता है जब या तो कोई एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, तो भाई डिफरेंट प्रोडक्ट में हमको कॉस्ट बांटनी नहीं, सारी उसी में जाने वाली है, या फिर सेवरल प्रोडक्ट तो बन रहे हैं लेकिन सारे प्रोडक्ट सारे डिपार्टमेंट से इक्वल नंबर ऑफ टाइम में पास हो रहे हैं और कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को यूज़ कर रहा है किसी को नहीं कर रहा है, सारे प्रोडक्ट सारे डिपार्टमेंट का काम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है सर, डन, बहुत बढ़िया, कितना पारिवारिक माहौल है, आह हा, क्या बात है। चलो अब आता है सर हमारे पास दूसरा सवाल, 2018 नवंबर एग्जाम में ही सवाल आया था आपके सामने, स्टेट द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनमेंट ऑफ फॉलोइंग ओवरहेड्स कॉस्ट। ये तो अच्छा पॉइंट है यार, थोड़ा बताओ यार, थोड़ा दिमाग के तार खोलो, आंसर दो, एयर कंडीशनिंग, क्या लगता है आपको, अगर एयर कंडीशनिंग का खर्चा है फैक्ट्री में तो वो हमको डिपार्टमेंट वाइज किस रेशियो में बांटना चाहिए, कोई गाइड करेगा थोड़ा सा मुझे। तनु बोल रही इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, और भी बच्चे बताइए पावर यूनिट्स। आदित्य बोल रहे गर्मी, अच्छा ऐसे ही बोल रहे हो, हाँ गर्मी, मुझे लगा कि गर्मी तुम्हारा बेसिस है, मतलब गर्मी कौन सा बेसिस है भाई। आदित्य बोल रही पावर, यार तुम लोग एक चीज़ भूल रहे हो, हम एयर कंडीशनिंग के बारे में बात कर चुके हैं पता। देखो एयर कंडीशनिंग जो होती है ना, जनरली पूरी फैक्ट्री में एक सेंट्रलाइज एसी लगा होता है, सेंट्रलाइज, जिसमें वो पाइप्स के थ्रू बेसमेंट से पूरा का पूरा आता है कंप्रेसर से, और सब जगह वो मतलब खिड़की जैसे बने रहते हैं, उसमें से एयर आती रहती है। तो जहाँ का वॉल्यूम या जहाँ का एरिया ज़्यादा होगा, जिस भी फ्लोर का जिस भी रूम का एरिया और वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना, वहाँ एसी का ज़्यादा जो है यूज़ लगेगा। तो ये तुम पावर आवर का काय को टेंशन ले रहे हो भाई, है ना, पावर आवर का काय को टेंशन ले रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग होल्ड पे सारे एक बार डिस्कस कर लेते फिर आंसर देखेंगे, अभी मुझे भी आंसर नहीं पता इसका। अगला टाइम कीपिंग। सर टाइम कीपिंग तो हम लोग पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन में आया हुआ है, टाइम कीपिंग तो क्वेश्चन में आया हुआ है, आपको याद होना चाहिए दोस्त, टाइम कीपिंग आपने क्वेश्चन में देखा दोस्त, टाइम कीपिंग तो आपने क्वेश्चन में ही देखा हुआ है। सर टाइम कीपिंग क्या होगा, टाइम कीपिंग के खर्चे जिस डिपार्टमेंट में जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे, हाँ बिल्कुल सही आदित्य, जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे वहां टाइम कीपिंग का ज्यादा खर्चा लगेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। अगला डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सर ये तो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स के हिसाब से हो जाएगा, डेप्रिसिएशन कैपिटल वैल्यू। पावर एंड स्टीम कंजम्पशन, तो इसमें तो हॉर्स पावर इंटू मशीन आर्स आएगा, पावर लिखा हुआ है ना, तो हॉर्स पावर इंटू मशीन आर्स, और इलेक्ट्रिक पावर में लिखा हुआ मशीन ऑपरेशन, तो नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस ले सकते हैं, या तो फिर इसमें भी हम लोग किलोवाट ले सकते हैं, देख लेते हैं अब क्या है आंसर भाई। ये लो एयर कंडीशनिंग क्या लिखा हुआ है, देखो फ्लोर एरिया या फिर वॉल्यूम, बोला था ना दोस्त मैंने, ये मान के चलो यार कि तुम ये मत मान के चलो कि हर एक रूम में अलग अलग एसी लगा होगा, थोड़ा बड़ा सोचो यार, थोड़ी बड़ी कंपनी के बारे में सोचो, जब कंपनी बड़ी होगी तो सेंट्रलाइज एसी होगा, और फिर सेंट्रलाइज का खर्चा अगर सब में बांटना है ना,
तो फिर एरिया या वॉल्यूम लेना पड़ेगा। टाइम कीपिंग नंबर ऑफ वर्कर परफेक्ट है। डेप्रिसिएशन कैपिटल वैल्यू, पावर और स्टीम में इन्होंने टेक्निकल एस्टिमेट बोल दिया, बोले हमसे ना हो पाएगा, उसके लिए हमको टेक्निकल लोगों से पूछना पड़ेगा। क्यों भैया, स्टीम का कंजम्पशन कहाँ पर कितना लें, तो कुछ लिखा नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके साथ हम लोग जो है साथ में यहाँ पर HP इनटू मशीन आर्ट्स भी लिख दें, क्योंकि वहाँ पावर भी ऑप्शन में दिया हुआ है ना। अगर सिर्फ स्टीम कंजम्पशन बोलता तो टेक्निकल वाला ठीक था, कि मैं बोल देता कि मेरे को नहीं पता भाई स्टीम स्टीम का क्या करना है, लेकिन ये जो है भाई उसका नहीं पता, ठीक है, इसलिए मैंने साथ में ये भी लिख दिया है। क्या लिख दिया है? HP इनटू मशीन आर्ट्स। इलेक्ट्रिक पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ मशीन आर, वैल्यू ऑफ मशीन और यूनिट कंज्यूम, किलो वॉट आर्स, मतलब कोई भी यूनिट चलेगी जो भी क्वेश्चन में दी हुई हो, चलेगा, हमारे कवरेज क्षेत्र के बाहर है। हाँ वही यार, जो चीज़ हमारे कवरेज क्षेत्र के बाहर होती है ना, उसमें हम बोल देते टेक्निकल एस्टिमेट, आई एम आउट, इट्स नॉट माई एक्सपर्टाइज, आई एम आउट, तो टेक्निकल लोगों से पूछ लो भाई कितना रेशियो करना है। तो वैसा वाला सीन है भैया ये सवाल में, ठीक है, पावर और स्टीम कंजम्पशन में। बाकी इलेक्ट्रिक पावर में HP लिख लो या मशीन आर लिख लो या HP इनटू मशीन आर लिख लो, चलेगा, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। वैसे तो देखो अलोकेशन एक जनरल बड़ा वर्ड है और अपॉर्चनमेंट उसी का पार्ट है, सो अलोकेशन इज अ मच वाइडर टर्म देन अपॉर्चनमेंट, लेकिन फिर भी बेसिक डिफरेंस जो दोनों में देखा जाता है वो ये है कि अलोकेशन मतलब जो जिसका उसको बांट दो, और अपॉर्चनमेंट मतलब जो कॉमन चीजें हैं उसको किसी बेसिस पे बांटो। अरे वो याद है एग्जाम्पल कि तुम डिनर में गए, तुमने बोला मैं कम रोटी खाऊंगा तो मेरा बिल में कम हिस्सा आएगा, बाद में पता चला दोस्तों ने बोला नहीं भाई खाने आने में ऐसा थोड़ी होता है यार, खाने माने में कोई ऐसा थोड़ी देखता है किसने ज़्यादा रोटी खाई किसने कम, चार लोग गए थे बिल आया स्प्लिट होगा बराबर। फिर अगले दिन तुम शॉपिंग में गए तो तुमने बोला यार ये लोग तो मेरी बात मानते नहीं है, चलो एकदम जम के शॉपिंग कर लेते हैं। भाई ने जम के शॉपिंग कर ली, उसको लगा कि शॉपिंग का खर्चा भी चारों में बटेगा, बाद में जाके पता चला कि अरे बाप रे शॉपिंग का खर्चा तो अपना अपना होता है, वहां तो बराबर बटता ही नहीं, ठीक है, समझ गए ना, ओके रिपोर्ट कूल, वही वाली चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है। सो द डिफरेंस बिटवीन द अलोकेशन, ओ कहाँ चले गए भाई तुम, द डिफरेंस बिटवीन द अलोकेशन एंड अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज द पर्पज ऑफ द टू इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आइटम ऑफ कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर, कि हमारा जो कोई आइटम ऑफ द कॉस्ट है उसको कौन सी कॉस्ट यूनिट या कौन से कॉस्ट सेंटर में डालना है, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज क्या है सर, अलोकेशन डील्स विद होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट विच आर आइडेंटिफाइबल विद एनी वन डिपार्टमेंट। जब किसी पर्टिकुलर कॉस्ट को तुम्हें पता है कि ये तो पूरा उसी डिपार्टमेंट में लगा हुआ है तो फिर बंटवारा करना ही नहीं है ना, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉस्ट तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इसी डिपार्टमेंट में लगी। जैसे तुमको याद होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर करते समय एक सवाल था जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेजिंग फूड, ऐसे करके तीन बिजनेस लाइन थी। अब जो बॉटल रिटर्न करने के जो खर्चे आते हैं ना वो तो तुम्हारे सॉफ्ट ड्रिंक वाले डिवीजन में ही जाने चाहिए पूरे, तो दैट वॉज अलोकेशन, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि ये खर्चा इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दिस कॉस्ट सेंटर सॉफ्ट ड्रिंक वाला, गेटिंग द पॉइंट ना, ठीक है चलेगा, ओके। सो अलोकेशन का मतलब है जहां पर होल आइटम ऑफ द कॉस्ट जिसको कि तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है उसी में पूरा डाल दो। इनडायरेक्ट वेजेस ऑफ थ्री डिपार्टमेंट आर सेपरेटली ऑप्टेंड एंड ईच डिपार्टमेंट विल बी चार्ज बाय द रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ वेजेस इंडिविजुअली। कभी कभी जो इनडायरेक्ट वेजेस होता है सर वो हमको क्लियरली पता होता है कि कौन सा सुपरवाइजर कौन से डिपार्टमेंट को देख रहा है, तो इवन इफ इट वॉज अ ओवरहेड्स फॉर द कंपनी, बट क्योंकि तुमको डिपार्टमेंट वाइज तो पता है कि ये सुपरवाइजर इसी डिपार्टमेंट में रहता है तो उसी डिपार्टमेंट में पूरी तरह डाल दो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब अपॉर्चुनमेंट की डेफिनेशन बता रहा है, ऑन द अदर हैंड अपॉर्चुन डील्स विद द प्रपोर्शन ऑफ एन आइटम ऑफ कॉस्ट, मतलब एक कॉस्ट के आइटम के टुकड़े करके अलग अलग जगह डाल देना। द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट और ऑफ अ सर्विस डिपार्टमेंट विल बी डिवाइडेड बिटवीन दोज डिपार्टमेंट विच हैज अवेल्ड दोज बेनिफिट्स, जिसने ज्यादा स्क्वायर फिट यूज किया उसको रेंट का ज्यादा हिस्सा दे दो, जिसके डिपार्टमेंट में ज्यादा लाइट पॉइंट्स लगे हुए हैं वहां पर ज्यादा लाइटिंग का खर्चा दे दो, जिसके यहाँ ज्यादा हॉर्स पावर की मशीनें और ज्यादा घंटे चली हैं वहां पावर का कॉस्ट ज्यादा बांट दो। कितना लॉजिकल है, कितना लॉजिकल है, जिसने बेनिफिट ज्यादा लिए उसको खर्चा ज्यादा बांट दो, खत्म। ये हो गया अलोकेशन और अपॉर्चुनमेंट। अलोकेशन इज अ डायरेक्ट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एक्सपेंसेस टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर, डायरेक्ट प्रोसेस, एंड अपॉर्चुनमेंट इज अ इनडायरेक्ट प्रोसेस बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ सर ढूंढना पड़ता है, कि कोई बेसिस ढूंढना पड़ता है जिससे कि तुम ये बता सको कि किसने कितना फायदा उठाया उस खर्चे का, ठीक है।
तो देर इज अ नीड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ एन एक्सपेंस टू बी बॉर्न. द अलोकेशन और अपॉर्चुनमेंट ऑफ एन एक्सपेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स नेचर बट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंस एंड द कॉस्ट सेंटर. कई लोगों को क्या लगता है कि किसी चीज के नाम से पता चल जाता है कि वो अलोकेशन है अपॉर्चुनमेंट. ऐसा नहीं है भाई. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी है तो हमेशा अपॉर्चुनमेंट है, या फिर वो बॉटल रिटर्निंग कॉस्ट तो हमेशा अलोकेशन है. वो तो माहौल सिचुएशन देखनी पड़ेगी ना क्वेश्चन की. मान लो तुम्हारे फैक्ट्री में 5 डिपार्टमेंट है और तुमने 5 डिपार्टमेंट में अलग अलग मीटर लगा के रखा हुआ बिजली का, तो फिर तो वहां भी अलोकेशन लग जाएगा. और अगर कॉमन बिल आता है तो अपॉर्चुनमेंट लग जाएगा. तो ऐसा थोड़ी बोल सकता है कोई कि इलेक्ट्रिसिटी है तो अपॉर्चुनमेंट ही होगा. ना, वो डिपेंड करेगा कि उस कॉस्ट सेंटर से उसका क्या नाता रिश्ता है, क्या वो आइडेंटिफाइबल है डायरेक्टली या नहीं. ठीक है, तो अलोकेशन इज अ मच वाइडर टर्म देन अपॉर्चुनमेंट. तो वैसे रियल सेंस में अगर हम ग्रामेटिकली बोलें तो अलोकेशन के अंदर अपॉर्चुनमेंट इंक्लूड होता है, लेकिन कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों चीजें अलग अलग हैं. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आखिरी पॉइंट की वजह से कि वैसे तो आप दोनों को अगेंस्ट बोल रहे हो और अब फिर बोल रहे हो कि अलोकेशन ही अपॉर्चुनमेंट है. थोड़ी भावनाओं को समझो भाई, और अगर भावनाएं समझ में नहीं आ रही हैं तो भावना से पूछ लो. ठीक है, ऑप्शन 4 डिलीट कर दो, पार्ट 4 डिलीट कर दो. चलो, नो प्रॉब्लम. जहां का खर्चा है वहीं दिखाओ. हाँ बेटा, वही अलोकेशन है. ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े. भावना तो क्लास में भी आज सही है. ले कार्तिक बोल रहे भावना भाव नहीं देती, बताओ. एक्सप्लेन द सिंगल एंड द मल्टीपल ओवरहेड्स रेट. अब देखो क्वेश्चन का नाम बदल दिया है. तुमसे मैंने पूछा कि ब्लैंकेट क्या होता, तुमने बोला सिंगल. अब उन्होंने सवाल में सिंगल डाल दिया, तो सवाल सेम है, सवाल सेम है, नाम बदल दिया बस. सिंगल मतलब पूरी फैक्ट्री का सिंगल रेट, और डिपार्टमेंटल वाइज निकलता है तो उसका नाम डिपार्टमेंटल की जगह मल्टीपल कर दिया. तो सवाल सेम है, क्वेश्चन को घुमा दिया बस. ठीक है, चलो गुड. इसके साथ ओवरहेड चैप्टर खत्म हो गया. तालियां तालियां तालियां. बस 4 सवाल, उसमें भी 2 रिपीट. वाह वाह वाह, क्या बात है. तो भाई अब तो मैंने बोला ही था ना, अब तो फटाफट होंगे चैप्टर, फटाफट होंगे चैप्टर. चैप्टर 4 इज डन, सुपर अमेजिंग. चलो ठीक है, अब आएगा सबसे बड़ा चैप्टर जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. सबसे पहला सवाल, डिस्क्राइब द वेरियस लेवल्स ऑफ एक्टिविटी अंडर ABC मेथोडोलॉजी. अच्छा एक बात समझना बेटा, जब तुम पूरे ओवरहेड्स कॉस्ट को एक्टिविटी वाइज बांटते हो ना, तो हर एक्टिविटी का अपना अपना तरीका होता है वर्क करने का. कुछ एक्टिविटी यूनिट वाइज लगती हैं, कुछ बैच वाइज लगती हैं, कुछ प्रोडक्ट वाइज लगती हैं, और कुछ फैसिलिटी वाइज लगती हैं. पढ़ते हैं क्या कहने का मतलब है यहाँ पर. सर, दोज एक्टिविटीज फॉर विच द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी आइडेंटिफाइड विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. कि भाई कोई ऐसी एक्टिविटी है जो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं उतनी ज़्यादा लगती जा रही. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे यहाँ ऑटोमोबाइल की कंपनी है, तो ऑटोमोबाइल में कार का जो इंस्पेक्शन होता है वो यूनिट वाइज होता है. सुनना मेरी बात, कार्स का जो इंस्पेक्शन होता है वो यूनिट वाइज होता है. तो जितनी ज़्यादा कार बनती जाएंगी उतना ज़्यादा इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन भी बढ़ेगा, इंस्पेक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी. तो इंस्पेक्शन जो एक्टिविटी है ना, वो एक यूनिट लेवल एक्टिविटी हो गई. अब बैच लेवल में आते हैं. द एक्टिविटीज सच एज सेटिंग अप ऑफ मशीन. कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जब आप बैच क्रिएट करते हो ना, उसी समय लगती हैं वो, जब आप बैच क्रिएट करते हो. जैसे कि मान लो कि मशीन को शुरू कर रहे हो, तो सेटअप टाइम पे जो भी समय लग रहा है उसमें सेट वेट कर रहे हैं लोग मशीन को, आधे घंटे बाद प्रोडक्शन चालू होगा. तो वो जो आधे घंटे कंजम्पशन हुआ पावर का, उसमें जो कॉस्ट लग गई जिसमें प्रोडक्शन नहीं हुआ, वो सेटअप कॉस्ट भी बैच लेवल एक्टिविटी. तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बैचेस बनाओगे उतनी ज़्यादा सेटअप कॉस्ट लगेगी. ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ द बैच रिलेटेड एक्टिविटीज वेरीज विद द नंबर ऑफ बैचेस मेड, बट इट इज कॉमन फॉर ऑल द यूनिट्स विद इन द बैच. फिर ऐसा नहीं होगा कि इस बैच में ज़्यादा यूनिट बन गई तो ज़्यादा क्वेश्चन लग गया. ना 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 ना, फिर आता प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी, ये तो अलग ही चीज़ हो गई. आपको याद है एक सवाल देखा था हमने, जिसमें हमने देखा था कि डिजाइनिंग कॉस्ट लग रही है, ये नया प्रोडक्ट मैं लॉन्च करना चाहता हूँ प्रोडक्ट सी, और उसके लिए मुझे डिजाइनिंग करवानी पड़ेगी. तो डिजाइनिंग की जो कॉस्ट आएगी वो तो वन टाइम कॉस्ट है. तो वो ऐसी कॉस्ट है जब तुम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तभी लगती है, बार बार नहीं लगेगी. एक बार तुमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो उसके बार बार थोड़ी डिजाइनिंग करोगे, डिजाइनिंग तो एक ही बार होगी. तो जो कॉस्ट प्रोडक्ट लेवल पर लगती है, कि जब जब नया प्रोडक्ट बनता है
जब जब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लॉन्च करवाया जाता है, तब तब लगती है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज। दीज आर द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू सपोर्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन अ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। फैसिलिटी वाइज मतलब अगर मैं मेरी फैक्ट्री खोला हुआ हूँ तो मेरे को कुछ कॉस्ट लग रही, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की कॉस्ट। अब मैं फैक्ट्री के अंदर एक और मशीन खरीद लूंगा तो सिक्योरिटी गार्ड की कॉस्ट तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन अगर मैं एक फैक्ट्री के बाद दूसरी फैक्ट्री खोल लेता हूं तो क्या सिक्योरिटी गार्ड का कॉस्ट बढ़ जाएगा? सर, एक और सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? तो सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी, दैट इज फैसिलिटी लेवल कॉस्ट, कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस, जितने ज्यादा नंबर ऑफ वर्कशॉप्स खुलेंगे, उतने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ते जाएंगे, दैट इज फैसिलिटी लेवल। फैसिलिटी मतलब एक पूरा सेटअप, एक पूरा कैंपस जैसा। These activities which cannot be directly attributed to individual product, these activities are necessary to sustain the manufacturing process and are common to all the products. अब ये ऐसी चीज़ है ना, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा यूनिट या कम यूनिट, वो लग रही है तो लग रही है, जब तुम नई फैक्ट्री लाओगे तो ही फिर से लगेगी, वरना कम या ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है? चलो, तो ये था ABC। अब जैसा कि मैंने तुमको बोला कि ABC बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये लो भाई ABC खत्म, तालियां। एक ही सवाल, जी हाँ एक ही सवाल, और वो भी पेपर में आया था PYQ नवंबर 2020। ना तो RTP में कोई सवाल है ABC से थ्योरी का, और ना ही MTP में, ठीक है? सिर्फ एक सवाल है नवंबर 2020 का, ये क्वेश्चन आपका आया था थ्योरी से, बस सबसे बड़ा चैप्टर। अब आते हैं सर हम लोग कॉस्ट शीट में, तो चैप्टर नंबर 6 से हमारा अगला चैप्टर कॉस्ट शीट। सर आपने इतने दिन में 3 चैप्टर निपटाए और आज के लेक्चर में 3 चैप्टर निपटा दिए, तो अब इतना ही है तो क्या करूं भाई? एक दिन में एक लेक्चर पढ़ाने का अगर मैं नियम बांध लिया तो फिर तो हो गया, 5 मिनट में लेक्चर खत्म। चलो, कॉस्ट शीट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट, ये भी थ्योरी है। अब आप मुझे खुद बताओ, जब कॉस्ट शीट से गारंटेड एक सवाल आता है कॉस्ट शीट बनाने का, वो भी क्वेश्चन नंबर 2A फिक्स है, तो काय को थ्योरी क्वेश्चन देंगे? तो पेपर में आज तक कॉस्ट शीट से सवाल नहीं आया थ्योरी का, जो आया है वो भी MTP का है, देख सकते हो आप, वो भी MTP का है, ठीक है? तो क्या है एडवांटेज, क्या होता है कॉस्ट शीट बनाने का? सर, इट प्रोवाइड्स टोटल कॉस्ट फिगर एज वेल ए कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, की कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन करने में कितनी टोटल कॉस्ट लगी, कितनी पर यूनिट कॉस्ट लगी। कॉस्ट कंपेरिजन में हेल्प करता है, अगर आप हर चीज़ की डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट शीट बनाते हो तो कंपेयर कर पाते हो, या पीरियड ऑन पीरियड कंपेयर कर पाते हो, या प्रोडक्ट ऑन प्रोडक्ट कंपेयर कर पाते हो। इट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेट रिक्वायर्ड फॉर सबमिटिंग द टेंडर, अगर आपको टेंडर में सबमिट करना है अपना प्राइस कोटेशन, तो उसके लिए पहले कॉस्ट एस्टिमेट करनी पड़ती है ना, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट भी हमें बहुत हेल्प करती है। इट प्रोवाइड सफिशियंट हेल्प इन अराइविंग एट द फिगर ऑफ सेलिंग प्राइस, कोई अगर अपना कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है तो कॉस्ट शीट बनाने से उसको सेलिंग प्राइस निकालने में हेल्प मिल जाती है। इट फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल बाय डिस्क्लोजिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वो आपको बार बार समय समय पर दिखाता रहता है कि इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी और इतनी लगी, इतनी लगनी चाहिए थी इतनी लगी, तो आपको पता चलता है कि ऑपरेशंस हमारे एफिशिएंट चल रहे हैं या इनएफिशिएंट चल रहे हैं। इनएफिशिएंट चल रहे हैं तो उसको सुधारो, एफिशिएंट चल रहे हैं तो उसको कीप गोइंग ऑन, कीप इट अप लाइक दिस। ये सारे एडवांटेज होते हैं कॉस्ट शीट के। तो इसके साथ कॉस्ट शीट भी खत्म। वाह वाह वाह, आज तो गजब हो गया सर, आज तो गजब हो गया। एक और चैप्टर खत्म भाई, चैप्टर नंबर 7 में आ चुके हैं हम लोग। कॉस्ट शीट से भी एक ही सवाल आया भाई, ये प्योरली प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं यार, उनसे काय को क्यों थ्योरी क्वेश्चन देगा, बताओ ना तुम, क्यों देगा? ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर, अगला चैप्टर है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है? प्री रिक्विजिट्स का मतलब मैंने उस दिन बताया था तुमको, प्री रिक्विजिट्स मतलब जैसे था ना कि कॉस्टिंग सिस्टम लाने के पहले क्या प्री रिक्विजिट होनी चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होनी चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, बिजनेस का नेचर पता होना चाहिए। उसी तरह अगर आपको इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम लाना है, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम याद ही नहीं आ रहा मेरे को तो, अरे जब कॉस्ट के रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड कंबाइंड वे में बनते हैं उसे इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। सो द असेंशियल प्री रिक्विजिट्स फॉर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स, क्या है सर? द मैनेजमेंट्स डिसीजन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप इंटीग्रेटेड अकाउंट्स लाना चाहते हो तो किस हद तक इंटीग्रेशन करोगे। अच्छा, इंटीग्रेशन की भी अलग अलग हद होती है क्या? जी हाँ, इंटीग्रेशन का एक्सटेंट का मतलब ये है कि क्या तुम्हें सिर्फ प्राइम कॉस्ट को इंटीग्रेट करना है फाइनेंशियल रिकॉर्ड में, या फैक्ट्री कॉस्ट तक इंटीग्रेट करना है, या फिर तुम्हें पूरा COP तक इंटीग्रेशन करना है। वो डिपेंड करता है कंपनी का
मैनेजमेंट का कॉल होता है कि उनको कितना जो है इंटीग्रेट करना है। तो मैनेजमेंट डिसीजन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सम कंसर्न्स, कंसर्न्स मतलब ऑर्गेनाइजेशंस फाइंड इट यूजफुल टू इंटीग्रेट अप टू द स्टेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, सम अप टू द फैक्ट्री कॉस्ट एंड लाइक दिस। और कुछ लोग फुल इंटीग्रेशन चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। एक सूटेबल कॉस्ट अकाउंटिंग कोडिंग सिस्टम होना चाहिए। मैंने आपको एक बात बताई थी जब हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सवाल पढ़ रहे थे ना, आईटी वाला, तब मैंने एक बात वर्ड बोला था कोडिफिकेशन, कि सर आजकल जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं ना उसमें आप कोडिंग करके डाल देते हो कि जब भी एंट्री होगी ना तो रिस्पेक्टिव कोड में उसका फिगर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब क्या आपको डबल कोडिंग सिस्टम करना पड़ेगा कि जब भी कोई GRN बन रही है या जब भी कोई खर्चा हो रहा है तो आपको जब आप उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, उसकी एंट्री कर रहे हो ना, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कौन सा कोड डलना चाहिए, कॉस्टिंग रिकॉर्ड में कौन सा कोड डलना चाहिए, डबल कोडिफिकेशन लगेंगे अब। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी जो कोडिंग होगी वो दो चीज़ों का पर्पस सॉल्व करेगी, फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑल्सो कॉस्ट अकाउंट। एक सूटेबल कोडिंग सिस्टम चालू करना भी बहुत ज़रूरी है। एन एग्रीड रूटीन, एक एग्रीड रूटीन होना चाहिए विथ रिगार्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ अक्रूवल, प्रीपेड एक्सपेंस, अदर एडजस्टमेंट नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट्स। देखो क्या होता है, हर कंपनी का एक रूटीन होता है प्रोसेस का, फाइनलाइजेशन का। जो छोटी एंटिटीज़ होती हैं वो ईयरली अपने रिकॉर्ड्स क्लोज करती हैं, जो बहुत बड़ी लिस्टेड एंटिटीज़ होती हैं वो क्वार्टरली बेसिस पर करती हैं, जो और ज़्यादा बड़ी एंटिटी होती है ना वो मंथली लेवल पर अपने बुक्स क्लोज करती हैं, क्योंकि उनका डेटा इतना ज़्यादा होता है ना कि अगर वो क्वार्टर का डेटा इकट्ठा करने जाएंगे तो बहुत वास्ट डेटा हो जाता है। तो वही इनका कहना है कि प्रोविजन्स की एंट्री जो क्लोजिंग के टाइम पे होती हैं, प्रीपेड की एंट्रीज क्लोजिंग के टाइम में होती हैं, दूसरे जो एडजस्टमेंट होते हैं वो सब इंटरिम अकाउंट्स में कब कब करना चाहते हो आप, तो आपको एक रूटीन सेट करना पड़ेगा जो सभी लोग एग्री करें आपस में कि इंटरिम अकाउंट्स कब बनाना है, मंथली बनाना है, क्वार्टरली बनाना है या हाफ ईयरली बनाना है, लाइक दिस। फोर्थ पॉइंट, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन शुड एग्जिस्ट बिटवीन द स्टाफ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल एंड कॉस्ट। ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, कॉस्ट रिकॉर्ड वाला और फाइनेंशियल रिकॉर्ड वाले के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ चलने चाहिए, वरना लोग ना परेशान हो जाएंगे दोनों से। कॉस्ट वाला बोलेगा मेरा डेटा सही है, फाइनेंस वाला बोलेगा मेरा डेटा सही है, मैं जाके बीच में बोलूंगा भाई तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो यार, तुम्हारा भी डेटा सही है, तुम्हारा भी सही है, बस मुझको रिकंसिलेशन बना के दे दो तो मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दूंगा। फालतू लड़ रहे हो, कह रहा मेरा सही है वो, पहले लॉजिक तो समझो ब्रो, तुम्हारा तरीका अलग है करने का, तुम्हारा तरीका अलग है, तो रिकंसिलेशन बना के मुझे दे दो, फालतू में लड़ रहे हो कि मेरा सही है मेरा सही है, हद दो भाई यार। चलो तो कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है, किसके बीच में, फाइनेंशियल वाले स्टाफ में और कॉस्ट वाले स्टाफ में, ठीक है। चलो, अंडर दिस सिस्टम देयर इज नो नीड ऑफ सेपरेट लेजर, कॉस्ट लेजर। आपको पता है ना, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है तो CLC बनाना पड़ता है, पर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में CLC नहीं बनाना पड़ता। लेकिन ऑब्वियसली सर आपको बहुत सारे नए लेजर तो बनाने पड़ेंगे, जैसे स्टोर लेजर तो दोनों में बनाना पड़ता है, चाहे वो इंटीग्रेटेड हो चाहे नॉन इंटीग्रेटेड। फिर फिनिश्ड स्टॉक लेजर भी बनाना पड़ता है, WIP स्टॉक लेजर भी बनाना पड़ता है, ये जॉब लेजर। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं सर जो आपको बनानी ही पड़ेंगी, चाहे आप इंटीग्रेटेड हो चाहे नॉन इंटीग्रेटेड हो, ठीक है। चलो तो एक बार पढ़ लीजिए सारे पॉइंट्स को, आप समझ जाओगे। तो व्हाट आर द असेंशियल प्री रिक्विजिट्स, व्हाट आर द असेंशियल प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, अगर मुझे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग लगानी तो उसके पहले कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, किस एक्सटेंट तक इंटीग्रेशन करना है। दूसरा, कोडिंग सिस्टम होना चाहिए। तीसरा, एक एग्रीड रूटीन होनी चाहिए। चौथा, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों के स्टाफ में। और पांचवा, जो भी एक्स्ट्रा वाले लेजर हैं वो भी आपको दिमाग में रहने चाहिए कि कौन कौन से बनाने पड़ेंगे, बाद में ऐसा नहीं अरे ये भी बनाना पड़ेगा, अरे यार क्या कर रहे हो, ऐसा करके। तो गाइज, आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा। इस सेशन को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, एंड बाहुबली टीम इसी तरह आपके लिए मोस्ट अमेजिंग कॉन्टेंट प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, और आखिरी तक आपको सपोर्ट देती है, रेगुलर क्लास से लेके एग्जाम के दिन जो मैराथन होता है वहां तक, और एग्जाम में जाने से जस्ट पहले गाइडेंस तक, है ना। तो बस जुड़े रहिए एंड आप कि नहीं आराम से पार हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग रेगुलर लेक्चर्स देखना चाहते हैं CA इंटरमीडिएट के, जैसे मेरा CA इंटरमीडिएट का May 2023 का पूरा कंप्लीट बैच हो गया है अनअकैडमी प्लस पर, तो रिवीजन बैचेस तो यूट्यूब पे आते हैं, लेकिन रेगुलर शुरू से किसी को पढ़ना है ना, यू शुड गो टू अनअकैडमी प्लस, टेक इट सब्सक्रिप्शन, बहुत कम दाम में सब्सक्रिप्शन है और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, और वहाँ पे आप पूरा मेरा सिलेबस देख सकते हो, पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो बैच कंप्लीट हो चुका है May 23 का, आप जाके रिकॉर्डेड देखिए, आपको फील भी नहीं होगा रिकॉर्डेड। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमने बाद में चालू किया था लेकिन लगा नहीं कभी कि रिकॉर्डेड है,
क्योंकि लाइव को ही आप देख रहे होते हो ना, जो लाइव में रिकॉर्ड हुआ है, तो इंट्रैक्शन तो चलता ही रहता है। जो आपको डाउट्स आएंगे वही बाकी कॉमन बच्चों को डाउट्स आते हैं, लाइक दैट। तो प्रोसेस बता देता हूँ, हाउ यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी की वेबसाइट पर गए, अनअकैडमी.com, क्लिक किया गेट लर्निंग में, और फिर देखो यहाँ पर आपको CA दिखेगा। CA में जाके आपको CA इंटरमीडिएट में क्लिक करना है। जैसे ही इंटरमीडिएट में जाओगे, ये देखो क्रैक CA इंटरमीडिएट विद अनअकैडमी, व्यू सब्सक्रिप्शन प्लान्स, आइकॉनिक प्लस लाइट, तीन तरीके के आपके यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्लस आइकॉनिक, यहाँ पर आप चार्जेस देख सकते हो, 42, 39 और 31,500। ये जो भी चार्जेस आपको दिख रहे हैं, बोथ ग्रुप के बिफोर डिस्काउंट है। ये जो आपको हैवर रेफरल कोड की जगह मिल रही है, वहाँ पर आप अपने फेवरेट एजुकेटर का कोड लगाइए। मेरा कोड है CAPRANAVY, प्रणव 10 इज़ नॉट माई कोड, तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आई है, तो शो योर लव बाई यूजिंग माई कोड CAPRANAVY। इन शॉर्ट, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 28,350 रुपये में बोध ग्रुप आपका हो जाएगा, जो कि पेन ड्राइव की कॉस्ट से काफ़ी कम है, ठीक है। और कॉम्बो भी आप लोग ले सकते हो, अगर फाउंडेशन की भी आपको जरूरत है तो, एट सच, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि अगली वीडियो से पहले आपको पता चल जाए। और कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक की बटन दबा सकते हो, शेयर कर देना उन लोगों को आपको लगता है जिनको इसकी ज़रूरत है। सी यू ऑल, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।